हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल। स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का ये हमारा फोर्थ लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम एडसॉर्प्शन की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने हाउ एडसॉर्प्शन वेरी विद द चेंज इन प्रेशर इस टॉपिक को कवर किया था। स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन देखिए डेली लाइफ से रिलेटेड है। फर्स्ट पॉइंट इज इन गैस मास्क To remove out poisonous gases from air. हम adsorption को कहाँ use कर सकते हैं? Gas mask में। देखो mask तो आप जो हमारा lockdown का ये period चल रहा है इसमें भी आप use कर रहे हो ना, तो देखो इसका use क्या आपको समझ आ जाएगा। In gas mask to remove out poisonous gases, जो atmosphere में जो air के अंदर poisonous gases present हैं उनको remove करने के लिए हम gas mask use करते हैं। ठीक है, ये मास्क क्या करता है, इन गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेगा अपने ऊपर ये, ताकि एयर के अंदर ना रहे और हम इसको इनहेल ना कर सके। क्लियर? देन फर्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड, दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन गैस मास्क टू रिमूव आउट पॉइजनस गैसेस फ्रॉम एयर। क्लियर? सेकंड इज सिलिका जेल इज यूज्ड टू रिड्यूस ह्यूमिडिटी इन कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब्स के अंदर आपने नोट किया होगा कि सिलिका जेल्स की बोतल रखी जाती है। रीजन क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, दैट कैन हार्म दी मशीनरी। जो हमारे कंप्यूटर लैब के अंदर जो कंप्यूटर्स पड़े हैं, स्क्रीन्स पड़े हैं, सीपीयूज हैं, यूपीएस है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब अगर कर लेंगे तो ये खराब हो जाएंगे। तो मॉइस्चर को रूम में से दूर करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? सिलिका जेल। और सिलिका जेल की प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर को एड्सॉर्ब कर लेता अपने ऊपर, वाटर को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेगा। ध्यान रखना, इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे अपने इसी लेक्चर में। देन इट मींस सिलिका जेल इज यूज्ड एज एड्सॉर्बेंट टू रिड्यूस ह्यूमिडिटी फ्रॉम कंप्यूटर लैब्स। थर्ड पॉइंट इज इन सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ हार्ड वाटर यूज्ड एज आयन एक्सचेंजर। हमने प्लस वन में टॉपिक किया था आयन एक्सचेंजर का, जिसके अंदर हमने वाटर को हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना सीखा था। उधर भी हम एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस यूज करते हैं। आपको याद होगा हमने वहां पे सोडियम जियोलाइट्स के नाम से पढ़ा था, तो सोडियम जियोलाइट्स भी जो है वो एड्सॉर्प्शन की तरह काम कर सकता है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी एड्सॉर्प्शन टेक्निक को यूज किया जा सकता है। फोर्थ इज एनिमल चारकोल इज यूज टू डीकलराइज शुगर इन इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शुगर घर में यूज करते हैं, आप लोग नोटिस कीजिए, अगर शुगर येलोइश कलर दे रही है इसका मतलब वो नेचुरल शुगर है। अगर उसमें थोड़ा येलोइश कलर आ रहा है, उसको कोई भी आर्टिफिशियल टेक्निक से उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं लेके आए। बट अगर आप जो शुगर यूज कर रहे हो दैट इज प्योर वाइट, अगर उसका कलर प्योर वाइट है, इट मींस इट इज केमिकली चेंज्ड। उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज किया गया है, उसको केमिकली उसके अंदर कलर को चेंजेस किए गए हैं। वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? वो हम करते हैं एनिमल चारकोल की हेल्प से। एनिमल चारकोल इज यूज्ड एज इन एड्सॉर्प्शन टेक्निक टू डीकलराइज शुगर इन दी इंडस्ट्रीज। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर्स के लिए हम यूज करते हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए। अगर आपने ओर्स में से सल्फाइड की इंप्योरिटीज को दूर करना हो तो भी हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? फ्लॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हैं। इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जनरल लाइफ के अंदर यूज होने वाले कुछ एप्लीकेशंस हैं एड्सॉर्प्शन। अब इन्हीं के बेसिस पे हमने कुछ यहाँ क्वेश्चंस लिए हुए जो कि वन मार्क टू मार्क्स के अंदर आपसे इजिली पूछे जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस एंड व्हाई, किस में एड्सॉर्प्शन हो रही है और क्यों? फर्स्ट इज सिलिका जेल प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ सैचुरेटेड वाटर। देखो अभी हमने कंप्यूटर लैब्स वाले एग्जांपल की थी, तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका करेक्ट है कि सिलिका जेल जो है ये हम एज एन एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं इन द कंप्यूटर लैब्स टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर और एटमॉस्फेयर। क्लियर? सेकंड पॉइंट देखिए, एनहाइड्रस CaCl2 इज प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर सैचुरेटेड वाटर, क्या ये भी एड्सॉर्प्शन करता है? नहीं। एनहाइड्रस AlCl2 इट doesn't perform adsorption process, it performs absorption. इसमें absorption process चलता है, क्योंकि ये anhydrous है ना हमारे पास calcium chloride, ये अपने अंदर water को absorb कर लेगा, अपने अंदर absorb कर लेगा, surface के ऊपर नहीं। जो process surface पे होगा that is known as adsorption, और जो अंदर absorb हो जाएगा bulk में that is known as absorption.
therefore answer will be A. हमसे पूछ रहा था कि किस प्रोसेस में एड्सॉर्प्शन हो रही है. एड्सॉर्प्शन विल अकर इन सिलिका जेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ सैचुरेटेड वाटर. क्लियर स्टूडेंट्स. तो ये एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों के अंदर आपने डिफरेंस को ध्यान में रखना. नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन टू एंट्रोपी ऑफ गैस ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन. एंट्रोपी, एंट्रोपी स्टूडेंट्स क्या होता है, ये हमने प्लस वन में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी किया था, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं. एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस. डिग्री ऑफ रैंडमनेस से हमारा मतलब क्या है कि मूवमेंट कितनी है. डिग्री ऑफ रैंडमनेस मतलब कितनी मूवमेंट शो हो रही है गैस के अंदर. देखो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस है और उसके ऊपर आपने गैस के पार्टिकल को एड्सॉर्ब करवा दिया. जो पार्टिकल पहले फ्रीली मूव कर रहे थे, पहले फ्रीली मूव कर रहे थे ऐसे, अब आपने क्या किया उन गैस के पार्टिकल को एड्सॉर्ब करा दिया, मतलब उनकी मूवमेंट क्या होगी, डिक्रीज. इट डिक्रीजेस मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. हम ऐसा लिख सकते हैं इट डिक्रीजेस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. और अगर मूवमेंट कम हो रही है इसका मतलब क्या है कि एंट्रोपी उसकी कम हो रही है. तो हमारा क्वेश्चन क्या था व्हाट हैपन टू एंट्रोपी ऑफ गैस ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन. एंट्रोपी ऑफ गैस डिक्रीजेस ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन प्रोसेस एज गैसेस गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ मैटर. तो गैस जो है वो फ्रीली मूव कर रही थी, अब वो किस सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाएगी, उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी तो एड्सॉर्प्शन भी कम हो जाएगी. क्लियर स्टूडेंट्स. आइए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज मल्टी मोलिकुलर वेयर एज केमिकल एड्सॉर्प्शन इज यूनिमोलिकुलर. ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने जब डिफरेंस किया था फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन का, मैंने आपको वहां भी समझाया था, यहां भी आप एक बार देख लीजिए. देखिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है एड्सॉर्प्शन के लिए दैट इज वंडरवाल फोर्स. इसमें वंडरवाल फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, एड्सॉर्प्शन के लिए. मान लीजिए आपके पास इसमें सरफेस के ऊपर किसी गैस के पार्टिकल ने यहां पे एड्सॉर्प्शन शो कर. अब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर दूसरी लेयर नहीं बनेगी, ये जो दूसरी लेयर है ये भी एड्सॉर्प्शन शो कर सकती है, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है. ठीक है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, बट स्टिल इट कैन एड्सॉर्ब. क्लियर. ऐसे और भी लेयर्स बन सकती है, कितनी भी दूर तक हम ऐसे लेयर शो कर सकते हैं. केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या है, जो पार्टिकल है उसका सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में आना जरूरी है. जब तक सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा केमिकल प्रोसेस नहीं हो सकता, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकती. तो एक लेयर तो बन जाएगी, अब जो दूसरी लेयर अगर आप बनाने की इसमें कोशिश करोगे तो क्या ये सरफेस का कॉन्टेक्ट में आ रही है, वेदर इट इज कमिंग कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ मेटल, नो. तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर आप ये सेकंड लेयर शो नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिमोलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन. इसलिए केमिकल एड्सॉर्प्शन एक सिंगल होती है. इसमें जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो मस्ट कंडीशन है, और वो बॉन्ड तभी बनेगा जब आपका पार्टिकल सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा. दैट इज व्हाई वी कैन से फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज ए मल्टी मोलिक्यूलर प्रोसेस वेयर एज केमिकल एड्सॉर्प्शन इज यूनिमोलिक्यूलर प्रोसेस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है बच्चे इसमें व्हाई एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. एड्सॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों होते हैं. एक्सोथर्मिक का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे हीट इवॉल्व होना. एक्सोथर्मिक इज हीट इवॉल्व होना. और हीट इवॉल्व को आप डेल्टा एच की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव हीट विल बी इवॉल्व. क्लियर. अब इसको हम समझेंगे गिब्स फ्री एनर्जी से. हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये हमारे पास रिलेशन रहता है गिब्स फ्री एनर्जी का. हमें मालूम है कि गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस कब होगा. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होता है, जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव. व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस. हमें पता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या कि प्रोसेस हो रहा है, इट इज हैपनिंग, इट इज अकरिंग बाय इट्स ऑन, ये प्रोसेस अपने आप चल रहा है. तो हमें डेल्टा जी की वैल्यू तो नेगेटिव चाहिए ही चाहिए, सबसे पहले तो हमने ये ध्यान रखना. ठीक है. दूसरी चीज आपको कह रहा है कि एड्सॉर्प्शन बताओ आपकी एक्सोथर्मिक होती है, ये प्रूव करना है. तो डेल्टा एच को हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि हम इसको प्रूव करना चाहते हैं.
क्लियर। अब आ जाए डेल्टा एस पे। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया कि एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ता है। एंट्रोपी हमने कहा डिक्रीज होती है, जब एड्सॉर्प्शन होती है तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है, मूवमेंट कम होती है। एंट्रोपी आप रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा एस से। अगर एंट्रोपी डिक्रीज होती है इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर। तो इसी नेगेटिव वैल्यू को हम यूज करते हैं। टेम्परेचर हमने एज इट इज यूज किया और डेल्टा एस की वैल्यू आपकी आ गई नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये नेगेटिव का साइन बाहर भी है और नेगेटिव आपका डेल्टा एस की वजह से आ गया, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। अब हमारे पास यहां पे क्या पड़ा हुआ है, डेल्टा एच, और यहां डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आए हमारे पास, क्योंकि प्रोसेस हमने क्या कंसिडर किया है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कंसिडर किया है। अब देखिए डेल्टा जी जो है आपके पास, ये नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होनी चाहिए ना, क्योंकि आपके पास टी डेल्टा एस तो पॉजिटिव बन चुका है, और ओवरऑल आपको आंसर कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो ये नेगेटिव वैल्यू किसकी वजह से आएगी, डेल्टा एच की वजह से आएगी, और डेल्टा एच अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब हमारा ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर स्टूडेंट्स। देखो मैं इस पॉइंट को आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। हमने ये बताना है कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, इसको हम प्रूव करना चाहते हैं। तो ये डेल्टा एच की वैल्यू को नेगेटिव प्रूव करने के लिए इसको हमने एज इट इज रखा। हमें मालूम है कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा जी जो है, फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, ये स्पॉन्टेनियस की कंडीशन होती है, ऐसा हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ रखा है। तो ये डेल्टा जी हमने नेगेटिव ले लिया है यहां पे। एंट्रोपी हमेशा कम होती है एड्सॉर्प्शन में, ऐसा मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, ये हमने किया कि एंट्रोपी इट ऑलवेज डिक्रीजेस ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, इसका मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। अब इस नेगेटिव वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इस रिलेशन में कि डेल्टा एस की वैल्यू हमने नेगेटिव कंसीडर कर ली, यहां पे नेगेटिव साइन पहले से था इक्वेशन में, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये टर्म पॉजिटिव आ रही है आपके पास साइड एंड साइड पे, डेल्टा जी आपको नेगेटिव चाहिए, तो ये नेगेटिव किसकी हेल्प से बनेगा, डेल्टा एच की हेल्प से। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में होगी तभी डेल्टा जी नेगेटिव हो पाएगा ना, और डेल्टा एच अगर आपका नेगेटिव आ गया इसका मतलब हमारा प्रोसेस कैसा बन गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर। यही चीज हम प्रूव करना चाहते थे कि जब भी एड्सॉर्प्शन होगी इट विल बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट मींस हीट विल बी इवॉल्व्ड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एप्लीकेशन के ऊपर लेक्चर। मैं इसके अंदर फिर भी आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, हमने एड्सॉर्प्शन प्रोसेस कहां कहां हम यूज कर सकते हैं। गैस मास्क में यूज कर सकते हैं टू अब्सॉर्ब द पॉइजनस गैस, सिलिका जेल में यूज कर सकते हो टू अब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, शुगर कलर चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं, और सल्फाइड ओर्स के अंदर से हम सल्फाइड को दूर करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोर्थ फ्लोटेशन। ठीक। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए कि एब्जॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन के अंदर डिफरेंस समझा यहाँ पे कि सिलिका जेल इज यूज्ड फॉर एड्सॉर्प्शन, वेयर एज एनहाइड्रस एल एनहाइड्रस सी ए सी एल टू इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज एंट्रोपी, व्हाट हैपेंस टू द एंट्रोपी ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन, इट ऑलवेज डिक्रीजेस as the movement of gases decreases, degree of freedom decreases. Next is physical adsorption is multimolecular process, whereas chemical adsorption is unimolecular process. इसका भी रीजन मैंने आपको बताया कि physical adsorption में सिर्फ force को देखा जाता है जो दूर से भी लग सकती है, chemical adsorption के अंदर bond formation होता है जो सिर्फ उसी layer के साथ होगा जो contact में आई, that is why it is unimolecular. Last is how you can prove that adsorption is एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसके लिए हमने ये रिलेशन यूज किया डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको हमने अभी आपको पूरी तरीके से समझाया। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था एप्लीकेशन पे। अपने आने वाले लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक इस चैप्टर का क्लाइड शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड लक।